गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स वर्कबुक। ओके, टुडे वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 2। वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज द रिवीजन एक्सरसाइज। होप यू मस्ट हैव डन इट इन योर वर्कबुक। ओके, यू कैन, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी। तो द सेकंड चैप्टर इज फोर डिजिट नंबर। यू विल इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट फोर डिजिट नंबर। फोर डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 1000 से। जो सबसे बड़ा थ्री डिजिट नंबर होता है वो होता है हमारा 999। और 999 के बाद उसमें अगर प्लस 1 हम ऐड कर देते हैं तो हमारा रहता है 1000। 1000 से आपके फोर डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। टिल नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू read and write two digit and three digit numbers, okay? Previous class में आपने two digit और three digit number को कैसे लिखा जाता है, उनके number names कैसे लिखे जाते हैं, ये सब आपने two digit और three digit number के बारे में आपने पढ़ा था। The smallest two digit number is 10. The largest two digit number is 99. तो देखो इसमें क्या बता रहे हैं, जो smallest two digit number, स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होगा ये बताइए पहले। स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर तो वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है आपका? 1 होता है। ठीक है, 0 कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको नहीं कंसीडर किया जाए। स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर आपका होगा 1। और इसी में अगर हम कहें लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताना है कि टू डिजिट स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट जैसे ये जो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर 9 हुआ, तो इसी में 9 आप प्लस 1 कर देंगे। 9 + 1 इज इक्वल टू 10। 10 क्या हो जाएगा आपका, 10 आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, 9 + 9 में आपने 1 ऐड कर दिया तो इक्वल टू 10 हो गया। अब 10 आपका स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया। तो इसी में 10, 11, 12 जब ऐसे आप काउंटिंग करेंगे तो आप जब 90, 91, 92 आप ऐसे करके 99 पे जब पहुंच जाएंगे तो 99 आपको क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। टू डिजिट का मतलब क्या हो गया कि ये टू डिजिट हो गई, एक ये डिजिट हो गई, एक ये डिजिट हो गई, टू डिजिट। ये सब सिंगल डिजिट के हैं, ये 1 डिजिट हो गई, ये 1 डिजिट हो गई, ये टू डिजिट का नंबर है 1, 2। तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो गया, वो आपका हो गया 99। और 99 से बड़ा नंबर आपको टू डिजिट में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा नंबर टू डिजिट में क्या होगा, 99। और अगर इससे बड़ा आप नंबर ढूंढेंगे तो आप इसका सक्सेसर जब करेंगे तो 99 में आप प्लस 1 आप कर देंगे। 99 + 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री डिजिट नंबर आ जाएगा 100। तो जो 100 है वो स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आपका जो 100 है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या हो गया आपका, 100। अब उसके बाद 100 में भी आप काउंटिंग करेंगे, 101, 102, 103, ऐसे फिर 200 पे आ जाएंगे, 300, 400, 800, 900। फिर जब आप 800 के बाद 900 पे आएंगे, 900 में काउंटिंग करते करते आप पहुंच गए 999 पे। ये जो 999 ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ये क्या हो गया आपका 999, ये होगा ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। 100 आपका स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, 1, 2, 3 थ्री डिजिट है, ये क्या है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 1, 2, 3। अब इसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे, इसके जो सक्सेसर होगा प्लस 1 हम करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो हमने क्या किया, 999 में प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो
हमें क्या मिला, इज इक्वल टू वन, वन टू थ्री, 1000 मिला। इसे कैसे रीड करते हैं, 1000। तो ये क्या है, 1000, 1000 है आपका स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ठीक है। अब इसी में 1000 को जब आप काउंटिंग करते जाएंगे, 1001, 1002, फिर 2000, 3000, 4000, फिर 9000 पे आप पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आप कहां पहुंच जाएंगे, 9999, तो 9999 है ये, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो आपका हो जाएगा ग्रेटर फोर डिजिट नंबर। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, 9999। इसमें अगर आप प्लस वन कर देंगे, 9999 में प्लस वन कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 9999 में हमने प्लस वन कर दिया, तो हमारा क्या जाएगा, 10000। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। फाइव डिजिट क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि इसमें अगर आप डिजिट काउंट करें तो 1 2 3 4 5, फाइव डिजिट है, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट हमारा फाइव डिजिट नंबर है। जैसे अब हमारे जो हम जो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर था हमारा, जैसे इस हमारे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या था, 1000, ओके। तो इसमें क्या था, इसमें जो ये कौन सी प्लेस थी हमारी, ये वंस की प्लेस हो जाएगी, ये टेंस की प्लेस हो जाएगी, ये हंड्रेड की प्लेस हो जाएगी, और ये क्या प्लेस हो जाएगी, टी, ये टी एस से हम डिनोट करेंगे, 10000 की प्लेस हो जाएगी। उसके बाद ये आपको अबेकस में दिखाया गया है कि अगर जैसे अगर वो वन होगा तो यहाँ पे केवल एक सिंगल रहेगा, टेन होगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा एक ये डिस, और अगर हंड्रेड होगा तो यहाँ पे वन यहाँ पे बन जाएगा, और थाउजेंड अगर होगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो इसी में काउंटिंग अबेकस में कैसे काउंटिंग की जाती है वो दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, 3425, तो इसमें आपके जो 100 ये वंस की प्लेस पे क्या है, वंस की प्लेस पे आपका 5 है, 100 टेंस की प्लेस पे आपका 2 है, 100 की प्लेस पे आपका 4 है, और 1000 की प्लेस पे आपका क्या है, 3 है, 3425। तो इसको आप इसमें अबेकस में कैसे दिखा रहे हैं, जैसे इस फिगर में देखिए, तो इसमें जो 1000 वाली प्लेस है उसमें देखिए 3 जो रिंग्स हैं, वो 3 रिंग्स हैं टोटल, 1 2 3, तो 3000 हो गया। उसके बाद 100 की प्लेस में कितना है, 400 है, तो जो 100 वाली प्लेस में कितने रिंग है, 1 2 3 4 4 हो गया। उसके बाद जो टेंस वाली प्लेस में, उसमें टेंस कितने हैं, यहाँ पे 2 टेंस हैं, तो 2 टेंस है, तो इस रिंग में यहाँ पे कितने रिंग आ गए टेंस वाले, उसमें 1 2, और वंस कितने हैं, तो वंस हैं आपके 5, तो वंस वाली प्लेस में कितने रिंग आ गए, 1 2 3 4 5, तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, 3000, फिर 3000 यहाँ पे 400 है, 3425,
अब जैसे इसमें ये लाट वाली फिगर है उसमें क्या दिखाया गया है, जैसे आपका नंबर है 10,000, तो 10,000 का, तो इसमें भी वंस की प्लेस में भी कुछ नहीं रहेगा, टेंस की प्लेस में भी कुछ नहीं रहेगा, हंड्रेड सॉरी इसमें दिखाया बताया गया 2,000, 2,000 में क्या है, वंस की प्लेस में कुछ नहीं है, टेंस की प्लेस में भी कुछ नहीं है, हंड्रेड की प्लेस में भी कुछ नहीं है, यानी कि ये तीनों जीरो रहेंगे, और थाउजेंड की प्लेस में क्या है, टू, तो ये आपका क्या हो गया, 2,000। सिमिलरली इसमें दिखाया गया था 1,000, तो वंस की प्लेस में जीरो हो गया, टेंस की प्लेस में जीरो हो गया, हंड्रेड की प्लेस में जीरो रिंग हो गया, और थाउजेंड की प्लेस में वन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1,000। सिमिलरली इसमें देखिए इस वाली फिगर में ये 3,000 है, तो ये जो आपका थाउजेंड वाला जो कॉलम है उसमें आपके इसमें थ्री रिंग्स आ जाएंगे, और बाकी सब कोई रिंग नहीं है, तो 3,000 हो गया। सिमिलरली ये इस वाले फिगर में क्या दिखाया गया है, 9,000, तो इसमें क्या है, इसमें वंस में भी कुछ कोई रिंग नहीं है, टेंस में भी कोई रिंग नहीं है, हंड्रेड में भी कोई रिंग नहीं है, लेकिन थाउजेंड वाले में आपकी 9 रिंग्स हैं, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9,000। 9,000 के बाद नेक्स्ट फिगर क्या है, इसमें 10,000 पे हम लोग पहुंच गए, इसमें वंस में कुछ नहीं है, टेंस में कुछ नहीं है, हंड्रेड में कुछ नहीं है, फिर सीधे थाउजेंड में कितने हैं, थाउजेंड में सीधे इसमें 10 रिंग्स है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, 10,000। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अरेंज द डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, ओके 3, 6, 5, 3, जैसे एक नंबर दे दिया है, एक नंबर दे दिया है यहाँ पे 3, 3, 6, 5, 3, तो उसको आपको अरेंज करना है नंबर, ये प्लेस वैल्यू चार्ट पे। प्लेस वैल्यू चार्ट किया है आपका, एक चार्ट बना दिया है, उसमें हंड्रेड की प्लेस में क्या आएगा, सिंपल जैसे ये वंस की प्लेस में 3 आ रहा है, टेंस की प्लेस में 5 आ रहा है, हंड्रेड की प्लेस में 6 आ रहा है, और थाउजेंड की प्लेस में आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसी को आपको इस जो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो इसमें जैसे कोई भी डिजिट होगी, जैसे सपोज करें आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो आप ये जब भी आप ये चार्ट बना लोगे इस तरीके से, जैसे आपने एक चार्ट बना लिया, तो इसमें जैसे थाउजेंड वाला टी एच हो गया, टी एच ये आपका हंड्रेड हो गया, फिर यहाँ पे टेंस वाला हो गया, ये वंस वाला हो गया, तो इसमें जब हम ये लिखेंगे ये वाला नंबर, तो लिखेंगे हम 3,600, फिर यहाँ पे 5 आएगा, 5, और यहाँ पे आएगा 3, तो ये एक हमारा एक हमने प्लेस वैल्यू का चार्ट बना लिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई पूछेगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो आप क्या बोलोगे, 3, 3 किस प्लेस वैल्यू पे, वंस की, 3 वंस की प्लेस पे है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 टेंस हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 हंड्रेड, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3,000। सिमिलरली इसी में सेकेंड एग्जाम्पल दिया है बी वाला, वो है आपका 4,967, 4,967, तो इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे इसमें आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, फिर आपका आ जाएगा 4,967, तो इसमें वंस की प्लेस में आपके 7 आ गया, टेंस की प्लेस में 6, हंड्रेड की प्लेस में 9, और थाउजेंड की प्लेस में 4, तो कोई पूछेगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप क्या बताएंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 900, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4,000, प्लेस जैसे आप इसको इस तरह लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4,000।
सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 103 है, प्लेस वैल्यू ऑफ ये प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 900। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 विल बी 60, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ सॉरी 7 कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 विल बी 7, 7 ओनली। तो इसे इन एग्जांपल्स को अच्छे से इसमें से पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। नाउ वी विल राइट द नंबर नेम्स एज शोन बिलो। ओके इसमें आपको क्या करना है, ये नंबर नेम्स लिखना है, नंबर नेम्स जैसे नंबर नंबर नेम्स आपको आते हैं 3 डिजिट तक के, आपने नंबर नेम्स अब लर्न कर लिए थे, अब आपको 4 डिजिट के भी नंबर नेम्स लर्न करने पड़ेंगे। जैसे इसमें तो क्या था 965 ये 9653, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 9000 9000 9653। तो 9653 का नंबर नेम क्या हो जाएगा 9653। तो ये तो बहुत इजी है, ये अच्छे से आप सबकी स्पेलिंग्स देख लीजिएगा और ये आप आसानी से कर लेंगे। बस इसमें एक चीज देखिएगा, जहां पे 40 आ रहा होगा 4040, तो उसमें लोग मिस्टेक कर देते हैं, उसको F O U R नहीं लिखना रहेगा, F O U R T Y लोग लिख देते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, जहां पे 40 आ रहा होगा F O R T Y 40। और सिमिलरली अगर 90 आ रहा होगा तो क्या लिखेंगे, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं N I N T Y 90, ये नहीं होगा, इसका क्या होगा N I N E T Y 90। ये दो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग कमिट करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तो फिर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो नंबर नेम्स इसके बाद इस इतनी यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए सबके नंबर नेम दिए गए हैं, जैसे 4967 है, फिर 8019 है, फिर 9821 है, तो वो आपको नंबर नेम में लिखना है। जब हम इसको पढ़ेंगे कोई भी नंबर, जैसे ये वाला नंबर लिखा है 8019, तो हम कैसे रीड करेंगे 8019, तो बस वही लिख देना है। फिर कैसे लिखना है 8019, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे हो जाएगा 8019। अब इसमें जो एग्जांपल दिया है सेकंड वाला एग्जांपल, ये आपका 2 है, उसमें क्या करना है आपको नंबर नेम्स दे रखे हैं 3076, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देना है। जैसे फर्स्ट वाला है 3076, फर्स्ट वाला क्या है, थ्री थाउजेंड सेवेंटी सिक्स, इसको आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देना है नंबर्स में, तो कैसे लिख देंगे 3000 3000, उसके बाद 100 प्लेस पे कुछ नहीं, सीधे 70 के है, तो 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यानी कि 100 प्लेस पे आपका 0 आ जाएगा, फिर 76 3076, ये इसका नंबर के फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। सेवंथ यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, एग्जांपल 3, उसमें क्या है, एक नंबर दिया है 7617, एग्जांपल 3 है, आपको नंबर दिया है 7617, ये नंबर दिया हुआ है आपको, इसमें क्या करना है
7006, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे आप, सॉरी इसका नंबर नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, SEVN7, फिर 1617, ठीक है। फिर इसमें इसमें देखिए जो नंबर 7 है वो दो जगह पे अकर कर रहा है, एक यहाँ पे भी नंबर 7 आ रहा है वंस की प्लेस पे भी, और इसमें जो नंबर 7 है वो दो प्लेस पे आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका वंस प्लेस पे, ये 10th की प्लेस है, ये 100th की प्लेस है, ये 1000th की प्लेस है। तो आपका जो नंबर 7 है वो वंस की प्लेस पे भी आ रहा है और किस पे, 1000th प्लेस पे भी आ रहा है। तो इसमें क्या बताया गया सर, तो इसमें जो इनकी प्लेस वैल्यू है, इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, वो 7 वंस है, और इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7000। तो इन दोनों ये नंबर की अगर फेज वैल्यू देखें तो दोनों ही 7 है, ठीक है। फेज वैल्यू जैसे इनके सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों नंबर ही क्या दिखाई दे रहे हैं, 7, लेकिन इस 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 7 वंस है, यानी कि ओनली 7 है, और इस 7 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या है, 7000। और 1 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो 1 10 है, और ये 6 की क्या प्लेस वैल्यू है, 6 की प्लेस वैल्यू है 600। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो क्या है, उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 4, उसको आप देख लीजिएगा, सिंपल ही है, उसमें भी कुछ खास नहीं है। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है आपको, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 1010। आप तो स्पेस इन लोगों ने बहुत छोटा सा दे रखा है, आपको सारे नंबर लिखने हैं कहाँ से कहाँ तक, 1000 से 1010 के बीच में, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है का ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, उसमें क्या करना है आपको, नंबर्स लिखने हैं आपको 1000 एंड 1010 के बीच में, 1000 to 1010 के बीच में आपको नंबर लिखने हैं। तो आप क्या लिख देंगे, 1000, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1001, स्केच पेन बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1002, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1003, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1004, फिर 1005, 1006, 1007, फिर 1008, फिर 1009, ये क्या हो जाएगा 1009, फिर आपका क्या आ जाएगा 1010, ये हो जाएगा आपको 1010। तो ये 1000 और 1010 के बीच में ये नंबर आ जाएंगे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 एंड 1010। सिमिलरली उसके बाद आपको इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें आपको नंबर लिखने हैं कहां से कहां तक, 7645 एंड 7651 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, बस 7645 आया, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 7646, फिर 47, फिर 7648, फिर 7649, फिर 7650, एंड लास्ट में क्या है आपका, ये गिवन है 7651। तो ऐसे बेटा ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, बस आपको
फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर दो नंबर दिए हैं उनके बीच के नंबर सारे आपको लिख देने हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, सिंपली आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। तो जैसे 1041 है, फिर नेक्स्ट क्या है 1042, 1041, फिर है 1042, फिर है 1043, नेक्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 1044, फिर 1045, फिर 1046, फिर 47, 48, 49, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1050 दे रखा है। सेम इसी टाइप की एक्सरसाइज है ये वाली भी। फिर सेकंड वाला है 1051, तो 1051 और 1060 के बीच के नंबर लिख देना है। तो आपको 51, 52, 53, 1051, 1052 ऐसे करके 60 तक लिख दीजिएगा। फिर ऐसे सी वाला डी ई एफ ये आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको, काउंट बैकवर्ड एंड राइट। आपको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। कहां से, इसमें हम फर्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। थ्री का ए है, इसमें आपको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4370 से, और आपका जा रहा है 4361 पर। 4370 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4369, फिर 4368, फिर 4367, देन 4366, 4365, 4364, देन 4363, देन 4362, एंड फिर क्या आ जाएगा आपका 4361। तो आपको ये जो ये आ गया आपका 4361, आपका फर्स्ट नंबर था 4370, इसी के बीच में आपको लिखना था। तो ये उसके बीच में आपके ये सारे नंबर, ये यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक के नंबर सब उसके बीच में आ जाएंगे। ये क्या है आपकी, बैकवर्ड काउंटिंग, मतलब उल्टी गिनती, उल्टी गिनती हो रही है इसमें। तो इसमें आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, ये आप सारे कर लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिल द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इसमें क्या करना है, कुछ बॉक्सेस में डिजिट नहीं लिखी हुई है, वो आपको फिल कर देना है। तो जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है हम लोगों को, फर्स्ट वाला क्या है 3576, तो उसमें 1000 की प्लेस में क्या है 3 आ गया है, ठीक है। फिर 100 की प्लेस में आपका 5 है, फिर 10s की प्लेस में क्या है 7 है, फिर 1s की प्लेस में क्या है आपका 6 है। उसी में फिर इसमें जो सेकंड वाला है वो क्या है 4374, सेकंड वाला इसमें क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो सेकंड वाला है बी वाला क्या है वो 4347 ये है। तो सिंपली आपका 1s प्लेस पे 7, 10s प्लेस पे 4, 100 प्लेस पे 3 और 1000 प्लेस पे आपका फिर से 4। तो उसको आप कैसे लिख देंगे, जो बॉक्स है पहला उसमें आपका आ जाएगा 4, तो 4000, देन 100 में फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपका आ जाएगा 3300, फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपका आ जाएगा फिर अगेन 4, फिर 4 10s, फिर नेक्स्ट बॉक्स में क्या जाएगा आपका 4 10s 7 1s। तो ये आप इस तरीके से बॉक्स को फिल कर देंगे।
तो इसमें भी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए हैं, ये आप 6 कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या है, राइट इन न्यूमरल्स, आपको क्या करना है नंबर्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्या है इसमें, 4320, 4320, तो इसको आप नंबर नेम्स में कैसे लिख देंगे, 4320। नेक्स्ट वाला क्या है आपका, नेक्स्ट वाला क्या है, 1025, 1100 पे कुछ नहीं है यानी कि जीरो आ जाएगा, 1025, तो उसे आप कैसे लिख देंगे, 1025। तो ये वंस की प्लेस होती है टेंस की, ये हंड्रेड की, ये थाउजेंड की, तो ये क्या है, 1025। तो आपको नंबर नेम्स दिए हैं उसको आपको नंबर्स लिखने हैं, तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, राइट इन वर्ड्स करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट इन वर्ड्स, तो इसमें हम लोग एच वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का एच वाला, क्वेश्चन 6 का एच, एच पार्ट हम लोग करते हैं। क्या है एच पार्ट, एच है आपका 7621, नंबर आपको दिया है 7621, इसका आपको नंबर नेम लिखना है, तो आप क्या कैसे लिख देंगे, 7000, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की, ये हंड्रेड की, ये थाउजेंड की, तो आप कैसे लिखेंगे, 7000, देन 600, ये आपका नंबर नेम होगा, नंबर ये क्या था आपका 7621, 7621, तो आपने इसको रीड किया 7621 और इसको यहाँ पे इसका नंबर नेम राइट कर दिया 7621। तो ये आपका कौन सा था, हाँ तो ये भी कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द नंबर डेट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर है, बिफोर एंड आफ्टर आपने बहुत कर रखा है तो, लेकिन आपको इसमें यहाँ पे क्या करना है, 4 डिजिट में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट है ए वाला, वो हम लोग करेंगे, क्या है, ट्रिपल 20, क्वेश्चन नंबर 7 है ए वाला, ट्रिपल 20, इससे पहले का आपको नंबर लिखना है, इससे मतलब बिफोर कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, तीनों टू तो वैसे आ जाएंगे, सॉरी डबल टू, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 20 है यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19, ठीक है, तो ये नंबर 2219 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बिफोर हो जाएगा, तो यही वाला नंबर आपको लिखना था, तो के 2219 यानी कि 2219 कम्स बिफोर 2220, उससे जस्ट पहले क्या आता है, 2219, इसको हम क्या बोलते हैं, जो बिफोर आता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर, तो अगर हम इस नंबर में माइनस वन कर देंगे, माइनस वन को क्या करना रहता है, जो नंबर दिया है उसमें माइनस वन कर देते हैं, तो उसका हमको प्रीडेसेसर मिल जाता है। तो इसी तरीके से इसमें ये ए वाला था, इसी में बी वाला, सेवेंथ का बी, उसमें क्या है, इसमें है आफ्टर, आपको नंबर दिया है 8220, क्या नंबर दिया है, 8220, और इसके बाद वाला आपको नंबर लिखना है, द नंबर विच कम्स आफ्टर इट, तो सिंपल है 8000 221,
तो इसमें क्या करना होता है, ये आपका नंबर क्या कहलाता है, 8221 इज द सक्सेसर ऑफ 8220। ये इसका क्या है, 8221 इसका सक्सेसर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 8220 जो नंबर है उसमें हम आपको प्लस वन कर देते हैं, तो हमारा जो सक्सेसर है वो मिल जाता है। इसको हम सक्सेसर भी कह सकते हैं, और ये नंबर की आफ्टर नंबर विच कम्स आफ्टर दिस नंबर इज इतना। और ये क्या था, ये आपका नंबर क्या था, प्रीडेसेसर था, या विच नंबर विच कम्स बिफोर 2220। इस तरीके से बेटा ये वाली भी एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो जाएगी, तो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, फिर सब बहुत ही इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि ये आप ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब आप ऑलरेडी आपने कर रखे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक नंबर दिया 4060 और यहाँ दिया 4062। आपको जो इन बिटवीन जो नंबर आता है, बिटवीन में कौन सा नंबर आएगा, तो 8th का ए वाला हम लोग करेंगे, 8th का ए। तो इसमें क्या नंबर दिया है, 4060 4060। फिर एक आपको बॉक्स दे दिया है, एक ब्लैंक स्पेस है, फिर 4062। आपको इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है वो लिखना है, तो आप क्या लिख देंगे, 4061। तो इस तरीके से आप 8th वाला जो क्वेश्चन है वो भी पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये क्या है, न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी नंबर को एक्सपेंड करके हमको लिखना है। जैसे किसी भी नंबर को हमको बड़ा करके कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, एक नंबर है 6452। तो इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप एकस में, तो देखिए 1000 की प्लेस में यहाँ पे देखिए 6 रिंग आ गई, 100 की प्लेस में फिर 4 रिंग आ गई, 10s की प्लेस में 5 रिंग आ गई, और 1s की प्लेस में 2 रिंग आ गई। तो इसको हम इसका इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6000 कैसे रीड करेंगे, 6452। तो आपका जो नंबर है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपका नंबर क्या है, 6452, ये आपका नंबर है 6452। इसको आपको एक्सपेंड करने करके लिखना है, तो आप क्या इसे कैसे लिखेंगे, 6000 प्लस 400 फिर प्लस, उसमें क्या प्लस कर देंगे, प्लस 5 tens फिर प्लस 2 ones। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे कर देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 6000 फिर आप इसे ऐसे लिख देंगे 6000 फिर प्लस 400 सॉरी 400 प्लस 50 प्लस 2। तो क्या हो गया आपका, 6000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 2। तो ये आपका 6452 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, 6452। इसको अगर आप ऐड करेंगे, 6000 में 400 ऐड किया तो 6400 हो गया, फिर 50 ऐड किया तो 6450 हो गया, फिर आपने 2 भी ऐड कर दिया तो क्या हो गया आपका, 6452 विच इज द नंबर। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। सक्सेसर ऑफ अ नंबर ये आपने कर ही लिया है, फिर आपका है प्रीडेसेसर ऑफ नंबर, ये भी आपने कर लिया है, फिर Every four digit number has a predecessor of four digit except 1000। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी अगर four digit number होगा तो उसका जो predecessor होगा वो भी four digit का ही होगा, मतलब केवल एक exception है, कौन सा, 1000।
ठीक है, जैसे कोई भी आप 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 4 डिजिट का नंबर ले लिया, 1 1000, वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सपोज कीजिए 30 लिखा। अब इसका प्रीडिसेसर कौन सा नंबर होगा? इसका प्रीडिसेसर यानी कि इसके इसमें माइनस वन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा आपका 1429। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर होगा, 4 डिजिट, इसमें 4 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4, तो कोई भी 4 डिजिट का नंबर होगा तो इसका जो प्रीडिसेसर होगा, प्री डिसेसर, वो भी आपका 4 डिजिट का ही होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर वो नंबर 1000 अगर हो, 1000 मतलब स्मॉलर 4 डिजिट नंबर क्या होता है, आपने अभी हमने बताया था स्मॉलर 4 डिजिट नंबर होता है 1000। अगर 1000 का जो प्रीडिसेसर होगा वो आपका क्या जाता है, 999। तो 1000 का जो प्रीडिसेसर होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो वही चीज ये लोग बोल रहे हैं। फिर इसमें आगे स्किप काउंटिंग दिया है। स्किप काउंटिंग मतलब जैसे स्किप बाय टू, जैसे कोई नंबर होगा 2, फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4, फिर 6 8, तो इस तरीके से स्किप काउंटिंग बाय 2, स्किप काउंटिंग बाय 10 जब जब हम कर देंगे तो क्या आता है 10, फिर नेक्स्ट नंबर 20 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, वो बताया गया है। ये कहलाता है स्किप काउंटिंग, SKIP, स्किप काउंटिंग मतलब कुछ नंबर स्किप करके हमको नेक्स्ट नंबर लिख देने होते हैं। अब इसमें बेटा कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपको जो नंबर्स हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं, तो एग्जांपल्स को आप रीड कर लीजिएगा, फिर जो आगे एक्सरसाइज आएगी तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हमको 7321, 7000 नंबर क्या दिया, 7321, तो उसको आप कैसे कर देंगे, एक्सपेंड जब आप करेंगे तो ये क्या जाएगा 7000 प्लस 100 की प्लेस पे 3 है तो क्या जाएगा 300, प्लस 10 की प्लेस पे 2 है तो ये 20, प्लस 1 की प्लेस में ओनली 1 है केवल तो प्लस 1, तो 7321 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई, 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म कहलाएगी 7321, 7321, और 7321 आपकी क्या हो गई शॉर्ट फॉर्म, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। फिर कुछ एग्जांपल्स इसी में सॉल्व किए हुए हैं, तो इसमें वो भी दिया है, जैसे ये आपका, आप सपोज कीजिए ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए, तो आप क्या कर देंगे इसका अपोजिट कर देंगे, इनको ऐड करके आप क्या लिख देंगे 7321। जैसे ये है 7000 7321, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1। और सपोज करें आपका यही क्वेश्चन दिया है, या ये आपको क्या करना था, इसको ये शॉर्ट फॉर्म में था, इसको एक्सपेंड करना था। अब सपोज कीजिए आपको ऐसे यही दे रखा है केवल, और आपसे बोला है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, तो आप इसे कैसे लिख देंगे 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, तो आप इसको क्या लिख देंगे 7321, ये आपकी क्या कहलाएगी शॉर्ट फॉर्म। जैसे किसी नंबर को एक्सपेंड कर रहे थे वो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, इसमें आप जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो ये आपकी हो जाएगी शॉर्ट फॉर्म।
इसमें फिर देखिए आगे सक्सेसर का एग्जांपल दिया, जो पहले जो बता दिया गया उसी का फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं ये लोग, तो फिर सक्सेसर ये सब आप कर ही लेंगे, उसमें कुछ है नहीं। तो उसके हम आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखिए फिर प्रीडिसेसर बताया गया है, प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपको इनके प्रीडिसेसर लगाने हैं, एग्जांपल दे रखे हैं, तो 300 का 299 हो जाएगा, ऐसे ही करना है आपको। हाँ, अब एक चीज आता है काउंटिंग बाय टू। सपोज कीजिए आपको कोई नंबर दे दिया, सपोज कीजिए नंबर दे दिया आपको 4440 और कह दिए काउंटिंग बाय टू, काउंटिंग बाय टू, तो आप क्या करेंगे, काउंटिंग बाय टू जब इसे करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड टू ऐड करते जाएंगे, तो नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 4442, फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4444, फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4446, फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट नंबर 4448, ऐसे आप करते चले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा क्या कहलाएगा, काउंटिंग बाय टू। ऐसे अगर काउंटिंग बाय फोर होगा, अगर इसी नंबर को आप आपसे कहें कि काउंटिंग बाय फोर कीजिए, काउंटिंग बाय फोर, तब आप क्या करेंगे, तो आपका ये 4440 आपका नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, उसमें प्लस फोर ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 4444, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4448, फिर 4448 के बाद क्या जाएगा 52। तो इस तरह बेटा ये वाले सब एग्जाम्पल्स भी आप रफ कॉपी में लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम एक्सरसाइज आ जाते हैं 2.2 पे, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमने अभी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है ये वाली। एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, फर्स्ट में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9867, इसमें 7 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट है 9867, नंबर क्या है आपका 9867, इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये आपका 1, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली 7 या 7 वंस, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी आपकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9867 इज 7, फिर राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 5349, 5349 आपका नेक्स्ट नंबर है, इसमें आपको 4 की प्लेस वैल्यू बनानी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 4 इज 4 टेंस या फिर 40, और आप क्या लिख सकते हैं इसको 4040, तो प्लेस वैल्यू आपकी 5349 में प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी हो गई, 40। फिर है नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 6908, इसमें क्या थर्ड वाला है आपका, आपका नंबर है 6908, इसमें आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ
नाइन क्या हो जाएगी, वंस टेंस हंड्रेड या थाउजेंड, तो प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन क्या हो जाएगी, इट नाइन हंड्रेड, या फिर आप क्या लिख देंगे इसको, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन 6843। 6843 में सिक्स फोर्थ वन है आपका, 6843 में आपको सिक्स की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगी, सिक्स प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स क्या हो जाएगी, इज 6000, या फिर उसको आप कैसे लिख देंगे, 6000। अगर हम इसी में अगर कोई पूछे कि आप आपसे कि 6843 है, इसमें फेस वैल्यू बताइए 3 की, तो आप क्या बताएंगे, फेस वैल्यू जो नंबर होता है वो नंबर इटसेल्फ ही फेस वैल्यू होती है। जैसे इसमें क्या है, 6843, तो इसमें फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगी, 3। फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगी, 4। फेस वैल्यू ऑफ 8, 8। फेस वैल्यू ऑफ 6, 6। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्लेस वैल्यू में चेंज होता है, फेस वैल्यू जो नंबर होता है वो इटसेल्फ ही रहेगा। उसके बाद इसमें जैसे ये नाइन्थ वाला, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 5321। इसमें वन की प्लेस वैल्यू वन हो जाएगी, टू की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी, थ्री की प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगी, फाइव की प्लेस वैल्यू आपकी, सॉरी, थ्री की प्लेस वैल्यू 300 हो जाएगी, और फाइव की प्लेस वैल्यू 5000 हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 6738 क्वेश्चन नंबर 10 है, आपका नंबर क्या है, 6738। इसमें आपको बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इतने ऊपर इस तरह लिख लिया, तो आप प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे 6000, ठीक है। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ यहाँ पे 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगी आपकी, 700। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 30, टेंथ की प्लेस में आ रहा है ना, तो 3 टेंथ हो गया यानी कि 30। और फिर लास्ट में क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 वंस या ओनली 8। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे, बीच वाले भी सब वही बहुत इजी हैं, वो सब आप कर लीजिएगा, अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा ये पूरी एक्सरसाइज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको फेयर कॉपी में करनी है, ठीक है। जो 2.1 में भी देखिएगा, जो क्वेश्चंस बुक में करने लायक होंगे उनको बुक में कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर डाल करके आप अपने फेयर कॉपी में डेट डाल करके प्रॉपर कीजिएगा वर्क। पहले एक रफ कॉपी में कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ताकि बार बार रब ना करना पड़े। अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको ये एच तक के नंबर दिए हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है 11, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो बहुत इजी है, इसमें हम एक कर दे रहे हैं, 11th का हम लोग एच वाला कर देते हैं, 11th का एच। क्वेश्चन नंबर 11th का एच वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। वो क्या है, 2800 शॉर्ट फॉर्म में दिया है, 2800। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो क्या है, देखिए ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ये हंड्रेड की प्लेस है, ये थाउजेंड की प्लेस में।
तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे आप, थाउजेंड कितना है, 2000 प्लस 100 कितना है, 800, फिर टेंस कितना है, जीरो है, तो वो भी जीरो है और वो क्या है वंस वाला भी, वो भी जीरो है, तो इन दोनों को हम लोग हटा देंगे, इरेज कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 2800। तो आपको इसी 2800 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई, 2000 प्लस 800, बाकी जो जीरो जीरो है वो लिखने की हमको जरूरत नहीं है इसमें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, हमको क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ए क्या है, 6000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 4, 6000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 4, 4, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको कैसे लिखेंगे, 6000 प्लस 500, 6500 प्लस 70, 6570 प्लस 4, 6574, अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देंगे, 6574, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही इसमें कितने ई तक है आपका, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। सर बेटा बहुत इजी है इसलिए हम जल्दी जल्दी करवाते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको सब समझ में आ जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। तो आपको जो नंबर है उसका सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर मतलब द नंबर विच कम्स आफ्टर द नंबर। तो ये जैसे 468 है, तो उसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे आप, आप प्लस 1 कर देंगे, तो 468 में आपने प्लस 1 कर दिया तो क्या आ गया, 469। सिमिलरली जैसे इसमें हम ये जे वाला देख लेते हैं, जे वाला आपका है 8475, इसका सक्सेसर क्या होगा, 8475 में आप प्लस 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8476, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 है, वो क्या करना है, वो आपको प्रीडेसेसर निकालना है, यानी कि That means you have to tell the number which number come just before this number. So, जैसे first वाला क्या है, 5108. What you will do? You will minus 1 in the number. So, 5108 में आपने 1 minus कर दिया, तो क्या हो गया आपका, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये 14th का ए है, 14th का, पहले हम 13th का आपको 13th का ए बता देते हैं, 13th का ए जिसमें सक्सेसर निकालना है, 13th का ए में क्या करना है, सक्सेसर, तो उसमें क्या करना है आपको, सॉरी सक्सेसर, आपको फर्स्ट नंबर है 468, तो इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे आप, 468 में प्लस 1 कर देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 469, 469 इज द सक्सेसर ऑफ 468, इस 468 का सक्सेसर क्या होगा, 469। अब 14th का ए हम लोग करते हैं, 14th का ए, उसमें क्या करना है हमको, क्या निकालना है, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर आपको क्या निकालना है उसका, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर मतलब का मीनिंग क्या हो गया, कि एक नंबर उसके पहले का आपको निकालना है, एक नंबर उसके पहले का निकालना है। तो इसमें फर्स्ट जो दिया है 14th का ए, वो दिया है 5108, तो आप इसका प्रीडेसेसर कैसे निकालेंगे, तो आप इस नंबर में से माइनस 1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा 5107, ये नंबर क्या हो जाएगा, दिस नंबर इज द प्रीडेसेसर ऑफ 5108, यानी कि एक नंबर बिफोर लिखना है आपको। तो
तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज ये 13th वाली क्वेश्चन और 14th वाला क्वेश्चन, ये दोनों भी आप कि इजीली अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जो हमने पढ़ा था काउंटिंग बाय टेंस, राइट द न्यूमरल्स न्यूमरल्स फॉर्म, काउंटिंग बाय 10 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने आपको बताया था ना, काउंटिंग बाय 2 काउंटिंग बाय 4 आपको करके बताया था एग्जांपल का। तो अब आपको क्या करना है, काउंटिंग बाय 10, कहां से कहां तक करना है आपको काउंटिंग बाय 10, 2000, ये काउंटिंग बाय 10, ये आपको करना है 2210, 2210 टू 2260 तक। तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर आपका आ गया 2210, देन आपका आ जाएगा प्लस 10 कर दीजिए तो 2220, देन 2230, then 2240, then 2250, then 2260। ये आपका नंबर, ये वाला नंबर है यहां से जहां पे एंड होना है, और ये वाला नंबर आपका कौन सा, फर्स्ट नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बीच में ये काउंटिंग बाय 10 में केवल कौन सा आ गया, 2220, 2230, 2240, 2250 एंड द लास्ट नंबर 2260। ये आपको काउंटिंग बाय 10 करना था। तो इसमें आपको ये टोटल 5 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, तो वो 6 आप लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें करना क्या है, काउंटिंग बाय 100। क्वेश्चन नंबर 16 उसमें क्या आता है, काउंटिंग बाय 100, यानी कि आपको उस नंबर में 100 ऐड करते जाना है। तो काउंटिंग बाय 100 में आपका जो है फर्स्ट वन जो ए वाला है वो है आपका 3490 आपको काउंटिंग बाय 100 करना है। तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर आपका यही है 3490, यहां से हमको स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, अब इसमें काउंटिंग बाय 100 है, तो ये देखिए ये आपकी वंस प्लेस होती है टेंस की, ये 100 की और ये 1000 की। तो आपको केवल काउंटिंग बाय 100 है, तो केवल इस प्लेस से मतलब है 100 वाली प्लेस से, ये 3490 है। नेक्स्ट में आपका क्या जाएगा, 3590। फिर नेक्स्ट में क्या जाएगा, ये वाली प्लेस पे जो ये वाली प्लेस है 100 वाली, उसमें फिर चेंज कर देंगे 3690, देन 3790, देन 3890, देन 3990। ये हम इस नंबर पे पहुंच गए, ठीक है, यही आपका लास्ट नंबर था। तो ये हमारी क्या हो गई, काउंटिंग बाय 100। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप 4 लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, तो 4 चारों पार्ट्स आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या करना है, राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। तो जो नंबर दिए हैं उसका सक्सेसर लिखना है यहाँ पे, और प्रीडिसेसर लिखना है नेक्स्ट बॉक्स में। तो ये भी आप कर लीजिएगा, ये तो कई बार हम रिवीजन एक्सरसाइज पहले में भी ये लगा चुके हैं हम लोग, तो ये वाला इजीली आप लोग कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, द बिगेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। ये हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, वही चीज है, वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, तो ये आप कर लीजिएगा। इट्स सक्सेसर इज 10। द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा, बिगेस्ट टू डिजिट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, 99।
तो ये कर लीजिएगा, ये जो हमने स्टार्टिंग में आपको जहां से स्टार्टिंग करवाया था वही है, इसमें आपको कर लेना है। तो बिगर टू थ्री डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 999। उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 999 में आप प्लस वन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1000। इसी का हम लोग ये 16th का ए सॉरी 18th क्वेश्चन का डी लगा देते हैं। 18th क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18th का डी पार्ट क्या है वो? द बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, बिगेस्ट मतलब द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा आपका? हमने बताया था स्टार्टिंग, जहां हमने वीडियो का जो स्टार्टिंग की थी शुरू में, जब आपकी क्लास लेना स्टार्ट की थी तो वहीं से स्टार्ट किया था। तो बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 9999। ठीक है, तो इसमें क्या है? द बिगेस्ट, हाँ द बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर इज इतना, इट्स सक्सेसर इज, अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें प्लस वन कर देंगे। इसका सक्सेसर निकाल, कैसे निकालेंगे? तो 9999 में प्लस वन कर देंगे, तो प्लस वन आपने कर दिया तो क्या आपका आ गया? 10000। तो ये इसका सक्सेसर हो गया, इसका सक्सेसर क्या हो गया? 10000। तो ये आपका 18th वाला भी क्वेश्चन सेव कर लीजिएगा। फिर आपका आता है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या है? राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर्स। तो कुछ नंबर्स दिए हैं बेटा, इसी एक्सरसाइज में ना अलग अलग तरीके से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, जैसे प्रीडिसेसर सक्सेसर का कई बार पूछ लिया है, तो वही चीज घुमा घुमा के पूछा गया है। तो वो जैसे भी आए आप उसको कर लीजिएगा। तो इसमें जैसे 321 है, इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? -1 कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 330 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है 898, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? तो आप क्या करेंगे? इसमें प्लस वन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 899। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 20। उसमें क्या करना है? लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये पैटर्न देखना है किस तरीके से नंबर लिखे गए हैं, और उसके बाद आपको आगे के नंबर लिखना है। तो क्या है? 4321, फिर 4322, फिर 4323, बस सिंपली प्लस वन होता चला जा रहा है, एक नॉर्मल काउंटिंग है। तो आप क्या हो जाएगा नेक्स्ट? 4324, फिर 4325, फिर 4326, ऐसे सारे लिख लीजिएगा आप। फिर बी वाले देखते हैं, उसमें क्या है? उसमें भी सेम चीज है, उसमें भी सीधे सिंपल काउंटिंग हो रही है। उसके बाद सी वाला क्या है? सी वाले में क्या करना है? उसमें भी 3604, 3605, उसमें भी आपको बस प्लस वन करते जाना है, मतलब नॉर्मल जैसे काउंटिंग करते हैं वैसे आपको करते जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? डी वाला। डी वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका 20 का डी। उसमें क्या करना है? इसमें जो सीरीज दी है वो दी है 7205। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है? 7203, 7203, फिर नेक्स्ट नंबर दिया है 7201। ठीक है, अब इसके बाद वाला आपको नंबर लिखना है, सीरीज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे 7205 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये नंबर कौन सा आ गया? इसमें -2 कर दिया गया, -2 कर दिया गया तो आपका आया 7203, फिर -2 कर दिया 7201। अब फिर आप -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 7199। ठीक है, 201 है लास्ट में, -2 कर दिया वहां से तो आपका क्या जाएगा? 7199। फिर इसमें -2 किया तो क्या जाएगा? 7197। फिर -2 किया 7195। इस तरीके से आपकी ये सीरीज चलेगी।
इसमें ए बी सी में तो कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल काउंटिंग है, केवल डी वाले में ही थोड़ा सा आपको इसमें माइनस टू करते जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। उसमें क्या करना है, 2300 फोर टेंस टू वंस इज इक्वल टू 2342। ये भी बेटा बहुत इजी है, 6000 थ्री टेंस 01। तो हम इसका 21 का बी वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट क्या है, सॉरी 21 का बी पार्ट वो क्या है, 6000 थ्री टेंस एंड 01, यानी कि 6030। तो ये क्या हो गया, 6030 से रीड कैसे करेंगे, 6030। इसी का बी पार्ट ही हमने किया, सी पार्ट किया है 4400 टेंस 91। तो 4000 ये इसका सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट, 8400 टेंस एंड 91। तो क्या हो जाएगा आपका 8000, यानी कि पहले आप लिखेंगे 8 सी वाले में, फर्स्ट हो जाएगा आपका 8000, फिर क्या है 400, देन यू विल राइट डाउन 4, देन 8400, देन 0 टेंस, तो 0 टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो इस तरीके से आप ये वाला कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, ये आपका क्या लिखा है, ऑर्डर रिलेशन। वी हैव ऑलरेडी लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट द टू गिवन नंबर अप टू थ्री डिजिट, नाउ वी शैल लर्न हियर द मेथड ऑफ फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द गिवन फोर डिजिट नंबर। वी फॉलो द सेम रूल फॉर लार्ज नंबर, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, जैसे कोई अगर आपको कोई भी थ्री डिजिट दे दी गई, तो उसमें आपका कौन सा ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर होगा या ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है, वो बताया जाएगा इसमें आपको। तो ये हम आपको समझा देते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के बनेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने आपको टू डिजिट का नंबर दे दिया, ये दे दिया 48, 4 और 8, हमने दो नंबर दे दिए 4 और 8। तो इससे हम कहेंगे आप हाउ मेनी नंबर यू कैन फॉर्म विद दीज टू डिजिट, ये दो डिजिट है 4 और 8, इससे आप कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो इससे आप दो नंबर बना सकते हैं, एक नंबर आपका बन जाएगा 48 और नेक्स्ट नंबर आपका क्या बन जाएगा 84। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे कि टेल मी विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन फॉर्म विथ दीज टू डिजिट, या फिर हम पूछे आपसे टेल मी द स्मॉलेस्ट नंबर विच यू कैन फॉर्म विद दीज टू डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा इन दोनों डिजिट को से, 4 8। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो छोटा नंबर है वो पहले लेंगे और जो बड़ा नंबर है वो बाद में लेंगे, तो आपका स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बन जाएगा। और हम कहें, फिर हम कहें कि टेल मी द ग्रेटर टू डिजिट नंबर विच यू कैन फॉर्म विद दीज टू डिजिट, तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है वो पहले लिख लेंगे और जो छोटा नंबर है वो बाद में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 84। ये तो टू डिजिट की बात हो गई। अब इसी में अगर हम थ्री डिजिट की बात करें तो सपोज कीजिए हमने आपको थ्री नंबर दे दिए 5, नेक्स्ट नंबर दे दिया हमने आपको 7 और नेक्स्ट नंबर दे दिया हमने आपको सपोज कीजिए 4। अब हम आपसे कह रहे हैं इसमें आप टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच यू कैन फॉर्म विद दीज थ्री डिजिट्स, कौन सा सबसे छोटा थ्री डिजिट का नंबर आप इन तीन नंबर्स को लेकर बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी डिजिट हो वो आप सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट कौन सी, स्मॉलेस्ट नंबर आपको उसका लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन
थ्री डिजिट में सबसे छोटी कौन सी है? फोर। तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया? फोर। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, यानी कि हमको क्या करना है, उन डिजिट को किस फॉर्म में लिख देना है? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? फोर के बाद फाइव आता है, फोर फाइव। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है आपका जो बचा? सेवन। तो ये 457 क्या हो जाएगा? वो स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म विथ दीज थ्री डिजिट। इन थ्री डिजिट से सबसे छोटा जो नंबर हम बना सकते हैं वो क्या होगा? 457। ये आप एक असेंडिंग ऑर्डर, जो भी नंबर डिजिट दी हो उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये 457 हो गया, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच यू कैन फॉर्म विथ दीज थ्री डिजिट। अब आपको सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर नंबर बताना है जो कि आप इन थ्री डिजिट से बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, सेवन, फिर उससे छोटा, फाइव, फिर सबसे छोटा, फोर। तो ये क्या हो गया? 754। ये क्या हो गया? इन थ्री डिजिट से जो सबसे बड़ा नंबर फॉर्म हो सकता है वो यही है, 754, और जो सबसे छोटा नंबर फॉर्म हो सकता है ये 457, ठीक है। तो इसमें यही चीज करना है आपको, और इसी में आपके क्योंकि फोर डिजिट के नंबर आ गए हैं तो इसी में आपको इसके फोर डिजिट के भी दे दिए जाएंगे। जैसे हमने दे दिया 1, 7, फिर 2 और 6, ये चार नंबर दे दिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच यू कैन फॉर्म विथ दीज डिजिट्स, 1, 7, 2, 6। तो आप क्या करोगे? आपको स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। इन फोर डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे छोटी डिजिट कौन सी है इसमें? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है। तो आपको किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा क्या है? वन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1, फिर उससे जस्ट बड़ा किया है 2, फिर उससे जस्ट बड़ा किया है 6, फिर उससे जस्ट बड़ा किया है सबसे बड़ा 7। तो ये आपका क्या हो गया? 1, 2, 6, 7, ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म विथ दीज फोर डिजिट्स। अब इसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर आपको बताना है कि सबसे बड़ा फोर डिजिट नंबर कौन सा होगा जो हम इन फोर डिजिट से मिला के बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? आपको इन फोर डिजिट को किस में अरेंज करना होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, देन 6, देन 2, देन 1। तो ये आपका क्या हो गया? 7621। तो इन फोर डिजिट से मिलके जो सबसे बड़ा नंबर बना वो क्या बना? 7621। और जो सबसे छोटा नंबर बना वो क्या बना? 1267। तो उसको आपको ऐसे करना है। उसके बाद आपको कुछ ये नंबर कंपैरिजन आपको दिखाया गया है इसमें कि कंपेयरिंग नंबर्स, तो वो भी कुछ खास नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि नंबर कंपैरिजन आपको मालूम ही है कि जैसे कोई भी टू नंबर्स होंगे, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 65 और एक नंबर है 403। तो हम आपसे कहेंगे कि इन दोनों नंबर को कंपेयर कीजिए, मतलब कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये बताइए। तो इसमें आपको जब आप ये चीज देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो वैसे तो आपको वैसे ही मालूम है कि 403 बड़ा है 65 के, लेकिन कुछ रूल्स बताए गए हैं तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो रूल्स क्या है कि अगर ये वाला नंबर, जो नंबर आप दो में कंपेयर कर रहे हैं उसमें देखेंगे कि किसके डिजिट ज्यादा है। जैसे इस नंबर में कितनी डिजिट है? 1, 2, 3 डिजिट्स हैं। इस नंबर में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट्स हैं। तो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे? जो क्रोकोडाइल का माउथ है वो उस नंबर की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्योंकि डिजिट ज्यादा है
इसमें डिजिट कम है, इसमें केवल दो डिजिट है, इसमें थ्री डिजिट है, तो ये जो नंबर है ये बड़ा होगा। फिर इसमें सेकंड रूल क्या है कि आपको अगर सपोज कीजिए दोनों ही थ्री डिजिट के नंबर हैं, दोनों ही नंबर थ्री डिजिट के हैं या फोर डिजिट के हैं, सपोज कीजिए फोर डिजिट के हैं, जैसे ये नंबर हो गया 5492 और ये दूसरा नंबर हो गया 3265। अब अगर दोनों ही फोर डिजिट के हैं तब आप क्या करेंगे, तब कैसे कंपेयर करेंगे दोनों नंबर को? आपको ऐसे तो मालूम है कि भाई ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तुरंत ही आप बता दोगे, लेकिन जो रूल है हम वो आपको बता रहे हैं। तो अगर फोर डिजिट के नंबर हैं दोनों ही, तब आप क्या देखेंगे कि जो सबसे स्टार्टिंग की जो डिजिट है, यानी कि यहाँ पे जो थाउजेंड प्लेस वाली डिजिट है वो यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, उनमें कौन सा बड़ा है? तो इसमें फाइव है और इसमें थ्री है, तो इनमें कौन सा बड़ा है? इसे थाउजेंड प्लेस पे थ्री आ रहा है, इसमें थाउजेंड प्लेस पे आपका फाइव आ रहा है, तो इसमें कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स फाइव बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 5492 इज ग्रेटर देन 3265। तो ये चीज बताया गया आपको, ठीक है। अब इसमें थर्ड रूल है, वो क्या है कि सपोज कीजिए कि फोर डिजिट के दोनों ही नंबर फोर डिजिट के और उनकी फर्स्ट डिजिट सिमिलर है, जैसे फर्स्ट नंबर आपने ले लिया 4659 और सेकंड नंबर ले लिया आपने 4781। तो अगर आपने अब कह दिया कि जैसे इसकी फर्स्ट डिजिट जो है दोनों की, अगर दोनों फोर डिजिट के नंबर हो, ठीक है, और दोनों की फर्स्ट डिजिट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो दोनों भी सेम हो, तब क्या होगा? तब फिर हम लोग सेकंड डिजिट देखेंगे, सेकंड वाला प्लेस, ठीक है, उसमें देखेंगे कि सेकंड वाला प्लेस किसका बड़ा है। तो इसमें देखेंगे तो 6 जो है स्मॉलर देन 7, 6 जो है वो छोटा है 7 से, तो यानी कि 4659 विल बी लेसर देन 4781, 4659 विल बी लेस देन 4781। सिमिलरली अगर ये डिजिट भी दोनों की सपोज करो सिमिलर है, ये भी हो गए 6 और ये भी हो गया 6, तब क्या करेंगे आप? तो नेक्स्ट रूल क्या है, फिर आप थर्ड डिजिट पे जाएंगे, तो थर्ड डिजिट किसकी बड़ी है? तो इसकी 5 है, इसकी 8 है, ठीक है, तो 5 इसकी यहाँ पे 5 है और यहाँ 8 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? ऑफ कोर्स 8 बड़ा है, तो यानी कि अगेन ये वाला नंबर 4681 इससे बड़ा हो जाएगा। और अगर ये डिजिट भी सिमिलर हो गई, ये आपकी यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 आ गया और यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, तब आप क्या करेंगे? तब आप लास्ट डिजिट पे जाएंगे, यानी कि वंस वाली प्लेस पे जाएंगे, ठीक है, तो वहां देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है? 9 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो आपका 9 इज ग्रेटर देन 1, फिर क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो नंबर है आपका, ये क्रोकोडाइल का माउथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज में बताया गया है, जो लास्ट इसमें जो है नंबर रिलेशन में और ऑर्डर रिलेशन। अब आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 2.3, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, ये भी हम जल्दी से फिनिश कर देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, हमने आपको सब समझाई दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, कंपेयर द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड राइट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स। इसमें आपको नंबर कंपेयर करने हैं और इसमें सिंबल बनाने हैं। इसमें सिंबल आप कैसे बनाएंगे? आप जो क्रोकोडाइल का माउथ है वो किस तरह बनेगा? जो नंबर बड़ा होगा, तो जैसे ये 360 है, 390, तो आप कैसे बना देंगे? 360 है, 360 और इधर क्या है? 390, तो आपका जो सिंबल है वो ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन सर्किल द लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इसमें सेकंड वाले में क्या है कि जौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा, जो जो पेयर दिए हुए हैं, जो कुछ नंबर दिए हुए हैं, उसको आपको सर्किल कर देना है। जैसे फर्स्ट में आपको क्या दिया है, जो 3999 सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्किल कर दिया गया है।
फिर बी में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो देखिए ये फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, 4000 से, ये 9000 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 9000 वाले सबसे बड़े होंगे। तो 9000 में दो हैं, ये 9284 है, ये 9842 है। तो आप ऑब्वियसली आप किसको सर्किल कर देंगे, 9842, क्योंकि आपको लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर को सर्किल करना है, तो इसको आप सर्किल कर देंगे। तो ऐसे ये वाली भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या है, इन सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, उसी का अपोजिट है। जैसे वहां पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर को सर्किल कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को सर्किल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कर रखा है आपके लिए 5000, तो बी वाले में क्या करना है, ये 4300 है, 3000 है, 6000 है, 3000 है, फिर 4000 है, 4000 है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 3000 वाला, ये 3600 है, ये 3400 है, तो 3400 वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो 3460 को आप यहाँ पे सर्किल कर देंगे। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आपको मालूम ही है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये वाली एक्सरसाइज फिर आप उस तरीके कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये सब बेटा आपको आता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, और हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। फिर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, गिव द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। अगेन सक्सेसर पूछा गया है, 645 का प्लस वन कर दीजिए, 666 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेल द प्रीडेसेसर, इसमें क्या करना है, माइनस वन कर दीजिएगा। 9321 का प्रीडेसेसर क्या हो जाएगा, 9321 माइनस वन इज इक्वल टू 9320 आ जाएगा। फिर राइट फोर थ्री डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई डिजिट 3, 2 एंड 9। आपका क्वेश्चन नंबर एट है, आपको थ्री डिजिट नंबर बताना है, राइट फोर थ्री डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर ये है एट आपका। क्वेश्चन नंबर एट, थ्री टू नाइन, 3, 2, 9 तीन डिजिट दिए हैं, इसे आपको फोर नंबर, फोर थ्री डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग, आपको फोर थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है। इन थ्री डिजिट को मतलब फोर थ्री डिजिट नंबर, आपको ये थ्री डिजिट दी हैं, इनसे आपको चार नंबर बनाने हैं थ्री डिजिट के, इन तीन डिजिट को लेकर। तो कैसे बनाएंगे आप, आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, 3, 2, 9। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 9 कर दिए, 2, 3, 9। नेक्स्ट नंबर क्या कर दिए, 9, 2, 3 कर दिए, 9, 2, 3। फिर एक नंबर क्या कर दिए, 2, 9, 3, 2, 9, 3। तो ये आपके फोर नंबर फॉर्म हो गए इन थ्री डिजिट को लेकर के, यही चीज बोल पूछा है उसने। ये क्वेश्चन नंबर एट आपका हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन अपने से कीजिएगा। आपको आपको सिक्स नंबर, फोर डिजिट दिए हुए हैं, इसमें आपको सिक्स नंबर फॉर्म करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे थ्री डिजिट दिए हुए थे, फोर नंबर फॉर्म करने थे, आपको क्वेश्चन नंबर नाइन में फोर डिजिट दिए हैं, उससे आपको सिक्स नंबर बनाने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर टेन, आपको ट्रू और फॉल्स देना है। सक्सेसर ऑफ नंबर कम जस्ट बिफोर द नंबर, नहीं ये गलत बात है, प्रीडिसेसर होता है, तो सर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, क्या पूछ रहा है बी वाले में, द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। सही बात है, जो 1000 है उसका प्रीडिसेसर क्या होता है, 999। तो क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर प्रीडिसेसर इज लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ये पूछ रहा है ना, ये बी वाला, द लार्जेस्ट थ्री
थ्री डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर ये क्या हो गया 999, इज द प्रीडिसेसर ऑफ इज द प्रीडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, वो फोर डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर हो रहा है, तो ये बात सही है, तो सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है इसमें, सी वाला, सी है आपका सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। हाँ, तो सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है 99, ये लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया, इसका सक्सेसर क्या हो गया 99 प्लस 1 क्या हो गया इक्वल टू 100, तो सी वाले में क्या है सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, गलत बात हो गई, ये लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर नहीं हुआ, ये क्या है स्मॉलेस्ट थ्री नंबर, तो थर्ड वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, इसको आप क्रॉस कर देंगे सी वाले को। फिर डी क्या है 9304 इज द लार्जेस्ट न्यूमरल्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 9304, ये आप करके देखिएगा इन चार डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म होता है, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इसमें, लेकिन 9 के बाद 3 आया हुआ, तो ये आपका गलत है, ये रॉन्ग है। फिर ई वाला क्या है, ये है आपका द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 9999, ठीक है, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1111, नहीं, द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर तो ये है, लेकिन द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा 1000, इसमें आपको कंफ्यूज किया गया है, जैसे इसमें आपको 4x9 कर दिया गया, तो आप जब 4x1 लिख देंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ यही सही होगा, लेकिन ये गलत है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा 1 के बाद 30 यानी कि 1000, तो इसको भी आप क्रॉस कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, राइट ऑल द फोर डिजिट नंबर यूजिंग 7261, आपको फोर डिजिट नंबर, चार फोर डिजिट नंबर लिखने हैं इन फोर डिजिट को लेकर के, ये आप कर लीजिएगा, थ्री डिजिट नंबर यूजिंग, फिर 349 से आपको थ्री डिजिट फॉर्म करनी है, तो कैसे करेंगे, एक 349 हो जाएगा, एक 493 हो जाएगा, एक 934 हो जाएगा, इस तरीके से थ्री डिजिट आप लिख दीजिएगा। फिर है राइट ऑल द टू डिजिट नंबर यूजिंग 6 and 2, तो 6 and 2 से दो डिजिट बनानी, एक 62 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, राइट द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, इसमें दिया 3589 ये दिया है, तो इसमें आपको लार्जेस्ट नंबर जब फॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जैसे ये 3589 है 12th का ए वाला हम कर रहे हैं, 12th का यहाँ पर 12th का ए वाला क्या है, 12th का ए 3589, 3.5, इससे आपको क्या करिए, आपको चार डिजिट दी हुई है, इससे आपको क्या बनाना है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर आप कैसे बनाएंगे, इन डिजिट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो आपका पहले आ गया 9, फिर आपका आ गया 8, फिर आपका आ गया 5 और ये आ गया 3 लास्ट में, तो ये 9853 क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड विद दीज फोर डिजिट, तो ऐसे ही आपको कर लीजिएगा। उसके बाद 13th का ए हम कर देते हैं, 13th का ए क्या है, उसमें इसका अपोजिट करना है, ये लार्जेस्ट डिजिट फॉर्म करनी थी, उसमें आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करनी है 9138, इसमें जो फर्स्ट दिया है वो दिया है 9, 1, 3, 8, अब इसमें क्या करना है आपको स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो आपको क्या करना है इन डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर देंगे, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, तो 1389 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद दीज फोर डिजिट्स। फिर 14th क्या है, 14th में फिल इन द ब्लैंक्स, आपको नंबर दिया उसका प्रीडिसेसर सक्सेसर लिखना है, बहुत इजी है, आराम से आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15th है,
रमेश स्पेंट 4361 रुपीज एंड राम स्पेंट 6293 रुपीज ऑन बाइसाइकिल, हु स्पेंट मोर मनी? तो रमेश ने इतना मनी स्पेंड किया है, रमेश ने स्पेंड किया है, रमेश, और सेकंड पर्सन कौन है? राम। तो रमेश ने किया है 4361 रुपीज, 4361 रुपीज, और राम ने स्पेंड किया है 6293, 6293 रुपीज ऑन बाइसाइकिल, हु स्पेंड मोर मनी? तो किसने ज्यादा खर्च किया है? तो इसमें क्या देखेंगे आप, कौन सा ज्यादा बड़ा है? तो ये 6293 बड़ा है। इसका जो हमने रूल क्या बताया था कि अगर डिजिट दोनों की बराबर हो तो इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, तो इसमें आप कौन सा देखेंगे कि ये डिजिट को किसकी बड़ी है? तो इधर 4 है, इधर 6 है, तो 4 इज लेसर देन 6, यानी कि तो इसमें आप सिंपली कर देंगे कि राम स्पेंड मोर मनी देन रमेश, राम ने ज्यादा स्पेंड किया, राम स्पेंड मोर मनी देन रमेश। तो बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये आप सब एक्सरसाइजेस आराम से 2-3 डेज में अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है? 2.1, 2.2, 2.3 अपने फेयर कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हमसे कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कॉल करके बता देंगे, मैसेज करके आपको समझा देंगे, ठीक है बेटा? ओके, बाय, टेक केयर।